अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आजकल मैं ये रोज़ाना ही अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ कि मैं मॉल में हूँ। तो हाँ, ये ज़रा रोज़ ही आजकल आना जाना हो रहा था। एक्चुअली अभी भी मैं आई हुई थी कि मेरी जो छोटी बेटी है ना, तो उसके कॉलेज में है फंक्शन और उन्हें चाहिए फौरी तौर पर सूट। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं मॉल जाती हूँ और वहीं से देखती हूँ कोई सूट वगैरह जो फंक्शन में भी पहन सकें। और फरमाइश भी थी कि वो इस हिसाब से भी होना चाहिए, फैंसी भी हो और ऐसा भी हो। तो मैंने कहा चलो, तो इस बहाने जो है ना, मैं भी फिर दीगर स्टॉल्स जब आ जाती है ना इस तरह ज्वेलरी की, तो फिर वो रुका तो जाता ही नहीं है। और मैं और मेरी सिस्टर साथ थे, तो हम दोनों जो हैं बस ये सारी चीज़ें यूं ही देखते हुए चल रहे थे। एक्चुअली लेना भी इनमें से कुछ नहीं था, लेकिन बस हम लोग यूं ही जैसे होता है ना विंडो शॉपिंग, तो बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे। और लेना था एक्चुअली बस छोटी बेटी के लिए। तो हम दोनों जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, तो हम अपना कुछ टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि घर में जब हम होते हैं तो सिवाय हमें घर के काम के, कुकिंग के, और किसी चीज़ से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो जब हम दोनों बहनें मिल गए, तो हमने कहा कि चलो ज़रा से हम इधर घूम फिर लें, थोड़े से फ्रेश हो जाएं। तो बस हम यही कर रहे थे। और जहाँ भी ज्वेलरी की ये स्टॉल्स नज़र आ जाए ना, तो वहाँ पर मैं और मेरी छोटी बहन फ़ौरन ही रुक जाते थे, क्योंकि हम दोनों को ही शौक़ है। वो भी अपने लिए कुछ देख रही थी और मैं भी बस यूं ही देख रही थी। बेंगल्स वगैरह काफ़ी अच्छी आई हुई थी, पर ली नहीं मैंने कुछ भी। तो मैं बस जिस काम के लिए गई थी, मैंने सिर्फ कपड़े ही लेने थे, और ये तो बस हम अपना टाइम पास कर रहे थे इधर उधर घूम कर। तो वैसे ये कड़े वड़े काफ़ी खूबसूरत होते हैं ना, इतना दिल आ जाता है इनके ऊपर, बहुत ही प्यारे नफीस नफीस से कड़े। और भाई, हमने तो गोल्ड पहनना भी छोड़ दिया जब से हमारे साथ डकैती हुई थी और गन पॉइंट पे सारी चीज़ें लूट ली थी। तो उस वक्त से तो गोल्ड पहनना ही छोड़ दिया, बल्कि अगर उसकी झलक भी नज़र आ जाए ना, तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं। बहरहाल, वहाँ से हम निकले और अब हम आ चुके हैं कपड़े वगैरह देखने। तो यहाँ पर मैं लॉन देख रही थी, जो कि अभी न्यू अराइवल है। और मैं अपनी सिस्टर से यही कह रही थी कि इन कपड़ों में कुछ नया तो है नहीं, ऐसे वही प्रिंट हैं, वही फूल हैं, बस ये किया है कि सारे उसमें ना गोल्डन तार वगैरह लगा दिए। तो उसी असना में मुझे एक स्टॉल इतना खूबसूरत सा ये नज़र आया, और यहाँ ये जो कुशन था ना, ये तो बहुत ही प्यारा था। खैर, उसके भी मैंने रेट पूछ लिए और लिया नहीं, लेकिन मेरा दिल आ गया था उस कुशन पे, तो शायद मैं ले ही लूँ उसे दोबारा जाकर। और यहाँ मेरी सिस्टर जो है ना, ये अपने ये जो आजकल शॉल्स आई हुई है ना, वो देख रही थी, उन्हें ये बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे शॉल्स मुख्तलिफ। ये वाली शॉल जो है ना, ये तो बहुत ही पसंद आई मुझे और छोटी सिस्टर को भी ना, ये वाली शॉल बहुत ही पसंद आई थी। और ये था भी बड़ा अच्छा खूबसूरत सा, मतलब ऐसा है ना कि किसी भी सूट पर उसको हम ले सकते हैं। तो अब मैं आ गई थी ज़रा रेडीमेड की तरफ, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा फैंसी सूट देख सकूँ, ले सकूँ आई मीन। तो यहाँ पर भी कुछ बस ये रेगुलर से सूट थे, और बेटी की फरमाइश थी कि वो कुछ फैंसी होना चाहिए, जिसके अंदर कढ़ाइयाँ भी हों, गोल्ड भी हो, सिल्वर भी हो। तो ये बच्चियों की ना बिल्कुल अलग ही फरमाइश होती है, जो कपड़े अभी बने भी नहीं होते हैं तो बच्चियाँ वो वाली फरमाइश कर देती हैं। तो बस जनाब, उसी के लिए हम कोशा हैं कि शायद हमें कोई सूट मिल जाए। जनाब, चलते चलते बस मैं इधर सूट की तरफ आ गई थी लॉन के, बट मुझे यहाँ भी कोई इतना ख़ास सूट नज़र नहीं आया।
हाँ, बस मुझे अपनी बेटी की मुनासिबत से जैसी उसकी डिमांड थी कुछ सूट पसंद आ गए तो वो मैं लेकर आ गई। तो जनाब मैं आ चुकी हूँ अपने घर और ये है सुबह का टाइम और मैंने जो है नाश्ता कर लिया है, चाय भी पी ली है। और मेरे घर का ये हाल इसलिए इस तरह से हो रहा है कि आज है मेरे घर नात खानी, महफिल नात खानी है, लंगर है और उसके बाद महफिल समा भी है, यानी कि कव्वाली भी है। और दिन है आज उर्स है और बाबा फरीद का। तो इस मुनासिबत से ही घर में आज ये तैयारियां हो रही हैं, साफ़ सफाई हो रही है, कमरा जो है वो खाली करके जाहिर है कि वहाँ पर फिर बैठने का इंतज़ाम किया जाएगा। तो इस असना में मैंने कहा कि चलो सब लोग काम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से मैंने फ्रूट चाट बना दिया, क्योंकि फ्रूट्स इसी तरह पड़े हुए होते हैं ना तो कोई खाता ही नहीं है। उमूमन मैंने यही देखा है बच्चों को कि वो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाते। तो मैं फिर यही करती हूँ कि फ्रूट चाट बना देती हूँ और जो कि आप मतलब मिनटों में ही ख़त्म हो जाते हैं आप। और इस तरह से एक जो है ना बच्चों को और बड़ों को सबको एक अच्छी चीज़ मतलब मिक्स फ्रूट मिल जाता है आपको। तो बस यहाँ पर यही बना रही थी मैं और साथ साथ सफाई भी कर रही थी। थोड़ी देर में बैठ गई थी थककर, क्योंकि अभी मज़ीद भी काम बाकी था। तो सारे बर्तन वगैरह तो मैंने साफ़ करके रख दिए थे। अब बारी थी कमरे की, तो जब न्याज हो तो उसके लिए तो बिल्कुल ही पाकीज़गी ज़रूरी है। हर चीज़ को पाको साफ़ होना चाहिए और घर में खुशबू का अहतमाम होना चाहिए, फूलों का अहतमाम होना चाहिए। और फूलों से और खुशबू से वाकई माहौल एक मुअत्तर सा हो जाता है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है खुशबू गुलाब की। तो बस सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, पाको साफ़ थी, माहौल भी बिल्कुल पाकीज़ा था। तो यहाँ पर बस ये तैयारी हो गई थी और इसके बाद शुरू होगी हमारी पहले नात खानी, फिर होगा डिनर और उसके बाद महफिल समा। तो बस ये मिठाई वगैरह को भी खूबसूरती से पैक कर रहे हैं तो हर चीज़ को खूबसूरती से पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। और नात खानी यहाँ शुरू हो गई है। तेरा बस बयाबो किसे तेरी कौन करेगा बड़ा, सल्लल्ला तेरी कौन करेगा पढ़ाई, नबी तेरी कौन करेगा पढ़ाई, किस गर्दे सफर में गुम है जिब्रीले अमी की रसाई, या मोहम्मद नूरे तेरे सपड़ी जमीनों समा, तुम्हारे मकीनों जमीनों समा, तुम्हारे लिए मकीनों मकान, तुम्हारे लिए चुनीनों चुना, तुम्हारे लिए बने गोरा, तुम्हारे और का।
रात खानी तो यहाँ ख़त्म हो गई और खाना स्टार्ट हो गया था। तो बस खाने के बाद ही महफिल समा का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो मेरा और आपका साथ तो बस यहीं तक है। मैं अब इसके बाद तो फिर कवाली का फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर तो चाहूँगी इजाज़त। और महफिल समा आप लोगों को कैसा लगा और नात खानी की महफिल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।
Yeah.